अशोक लेलैंड का शेयर 2023-24 में क्यों बढ़ेगा? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके फिनोवेट में स्वागत है। अशोक लेलैंड अभी 172-173 में क्यों लेने की बात कर रहे हैं? ये स्टॉक अपने मुहूर्त और दीपावली का जो 2023-24 का ईयर है उसके अंदर भी ये स्टॉक फीचर किया था। अब उसका पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये स्टॉक 2018 में भी अपने को 160-162 रुपया में मिल रहा था और 5 साल के बाद भी ये स्टॉक अपने को 172-173 में मिल रहा है। 0% रिटर्न है इन लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन अब ये स्टॉक अपने को बहुत एक्सेप्शनली अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट 3 साल से इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ के आ रहा है, वो भी कम नहीं 58%। इसके कारण है दो। पहला तो क्या है, कोविड आ गया था 2020 के अंदर, तब परफॉर्मेंस खराब हो गई थी क्योंकि इकोनॉमी की 12 बज गई थी। अपने ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। साइक्लिकल स्टॉक में क्या है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे स्टॉक ग्रो करता है, और अगर इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो तो स्टॉक की कंडीशन भी पैथेटिक हो जाती है। अशोक लेलैंड अपने ऑटो सेक्टर की, और वो भी अपना कमर्शियल जो व्हीकल्स है उसके अंदर पायनियर है। साउथ के अंदर तो समझ लो आपको ये अशोक लेलैंड का चिन्ह वाली ही गाड़ियां मिलेगी। बड़ी जो बसें हैं, अब तो इन लोगों ने नया मिनी बसेज है, एम्बुलेंस है और स्कूल बसों के अंदर भी एंट्री की है। दोस्तों अशोक लेलैंड अपने R&D के अंदर भी कहीं पीछे नहीं है। फ्यूचर को देखते हुए जब अपने पैसेंजर व्हीकल में ईवी व्हीकल्स आए हैं तो अपने कमर्शियल के अंदर भी ईवी आनी है। तो अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, हाइड्रोजन हो, उस सबका R&D वर्क चल रहा है और भविष्य में हो सकता है पहली कंपनी हो जो कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करेगी ईवी एंड हाइड्रोजन का। कंपनी अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा भागीदारी ला रही है। अफ्रीका और श्रीलंका के अंदर कंटिन्यूअस ऑर्डर मिल रहे हैं और ऑन टाइम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी इन लोग को अभी रिसेंटली 711 बस का ऑर्डर मिला था, वो भी टाइम बाउंड, और इन्होंने टाइम के पहले ही उसका डिलीवरी दे दिया। इससे भी इनके रास्ते और खुल रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर और भी आगे मिलेंगे। एक तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है आयरन ओर के प्राइसेस, वो जब बढ़े हैं क्योंकि इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो स्टील ही है। अब क्या है कि उसके दाम बढ़ने से इनकी मार्जिन की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्योंकि एक लीडर है तो इन्होंने अपने जो प्राइसेस भी बढ़ा के उसको काफी हद तक कंपनसेट कर लिया है, क्योंकि जो मार्केट लीडर रहता है प्राइसिंग पावर तो रहती है। दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये हमारे लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करता है। अशोक लेलैंड एक बहुत ही फोकस्ड प्लेयर है अपनी कमर्शियल लाइन के अंदर। जैसे पैसेंजर लाइन के अंदर मारुति लीडर है, वैसे ही कमर्शियल के अंदर वो चाहे लाइट व्हीकल हो चाहे हेवी व्हीकल हो। कंपनी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो होते हैं प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अशोक लेलैंड के जो प्रमोटर हैं वो जो हिंदुजा ग्रुप है, NRIs है, UK बेस्ड है। कंपनी इक्विटी बहुत ही स्मॉल है क्योंकि पुरानी कंपनी है, यूज रिजर्व है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और जिस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। जो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उन लोगों के लिए तो ऐसे भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक जो है वो देखिए जैसे जैसे रहता है वैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है साइकिल्स अप्स एंड डाउन्स के अंदर तो ओवरऑल रिटर्न्स बनती है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर बैठ के आप अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऑटो राइड का मजा लीजिए।